थैंक यू सो मच. बहुत सारा बड़ा स्क्रीन पे, बिग स्क्रीन पे काम किया और अभी सब बहुत क्यूट, पोलाइट और ऐसा बहुत सारे कमेंट्स पा लिए. अभी कुछ तो अलग वेरिएशन मिला है करने के लिए और मुझे स्वीट एंड सॉफ्ट कैरेक्टर है मेरा किरदार. इसमें नेगेटिव भी हूँ और सारे बहुत सारी वेरिएशन इसमें कुछ करने को मिलेगा. थोड़ा एक अलग अंजना देखने को मिलेगी. और जब मैंने इस किरदार के बारे में सुना, मुझे ब्रीफ किया गया, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है और मुझे ये शो करना चाहिए. और काफ़ी समय के बाद मैं टीवी कर रही हूँ और कुछ अलग कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मतलब अलग है. और जो मेरी अपनी ऑडियंस है उनको कुछ अलग देखने को मिलेगा. मैं यही जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, एक ऐसी प्रथा को दिखाने की कोशिश की गई है जो कि एक नेगेटिव आस्पेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए बताइए कि क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा मुश्किल या आसान होगा लोगों को एक्सेप्ट करना ये चीज़ को. देखिए, स्टोरी तो हमेशा पहले नेगेटिव से ही स्टार्ट होती है और ये ऐसी परंपरा न थुतराई की बहुत जगह आज भी होती है, बट इसको बहुत हाईलाइट नहीं किया गया या लोगों के बीच में नहीं है. ये उसी बेस पे ये शो है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को पता चलेगा कि आज भी कई जगह ऐसी है जहाँ पे ये सारी ऐसी कुछ परंपराएं होती हैं, तो शायद लोग इसके बारे में जाने और आगे चल के ये परंपरा शायद ख़त्म हो और लोग इसको दबा सके. मतलब ये चीज़ें अब आगे कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि इस शो के थ्रू लोग जागरूक होंगे और अगर ऐसी कोई परंपरा अभी भी है या चल रही है तो वो बंद होनी चाहिए. मैं आखिरी में पूछना चाहूँगा कि ऐसे तो आप काफ़ी व्यस्त हैं अभी काम में, लेकिन बिग बॉस आ गया है, अक्षरा जी गई हैं उसमें, और हाल ही में करण जौहर जी ने जो एक कंटेस्टेंट को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कहा था कि वो भी एक इंडस्ट्री है, किसी में मतभेद नहीं होना चाहिए, तो ये कितनी अच्छी बात है कि बॉलीवुड को एक बहुत रिस्पेक्ट है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर. उन्होंने बिल्कुल बहुत, मैंने देखा था वो एपिसोड, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही. उन्होंने बोला कि इतने बड़े एक्टर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर होके उन्होंने बोला कि वो सारी इंडस्ट्रीज़ को एक साथ देखते हैं, वो उसे इंडियन सिनेमा बोलते हैं और वो सभी इंडस्ट्री की सेम रिस्पेक्ट करते हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड अक्षरा की बात की तो बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री प्राउड फील करती है और वो बहुत अच्छा खेल रही है और मैं उसको बहुत अच्छी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो जीते और अच्छे से खेले और वो पूरे यूपी बिहार और अपनी इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर रही है. एंड सी इज़ प्लेइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा खेल रही है. थैंक यू.